नमस्कार मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कुचामन कस्बे के समीप स्थित ग्राम पंचायत दीपुरा में पीने के पानी की किल्लत है, इसके चलते यहां पानी को लेकर मारामारी है। महिलाओं को दिन भर पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। पानी की किल्लत और समस्या जनप्रतिनिधियों और सरकारी नुमाइंदे बेखबर है। यहाँ ग्रामीणों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, जिससे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत दीपुरा में डूखिया पेट्रोल पंप के पीछे मेघवालों की ढाणी पानी की बोरिंग या मोटर स्टार्टर पिछले 20 दिनों से खराब पड़ी हुई है। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष पर परसाराम भुगालिया और जिला अध्यक्ष मोनालाल काजवाल ने बताया कि दीपुरा ग्राम पंचायत में डूखिया पेट्रोल पंप के पीछे मेघवालों की ढाणी में लगे पानी की ट्यूबवेल की मोटर स्टार्टर पिछले 20 दिनों से खराब पड़ी हुई है तथा इसमें पानी भी खारा हो चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक दो बार सरपंच से संपर्क करने के लिए सरपंच की दुकान पर जाकर मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरपंच नहीं मिले, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उनके मुनीम को अवगत करवा दिया था, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि पानी के लिए परेशान लोग निजी टैंकर के सहारे किस तरह पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। निजी टैंकर भी लोगों को 1000 से 1500 रुपए खर्च हो जाता है। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने पानी की समस्या समाधान करवाने बाबत सरपंच को मांग पत्र सौंप कर तथा कुचामन पंचायत समिति विकास अधिकारी को सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से मांग पत्र भेजकर मोटर को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की। उन्होंने मांग पत्र में यह भी लिखा कि ट्यूबवेल में पानी खारा हो चुका है, जिसके खारे पानी से विभिन्न तरह की बीमारियों का अधिशा बना रहता है। इसको लेकर उन्होंने मांग की है कि मेघवालों के झाड़े में दूसरी ट्यूबवेल लगाई जाए तथा इंदिरा गांधी नहर योजना के अंतर्गत पानी का पॉइंट लगवाकर पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए, अन्यथा भगत सिंह यूथ ब्रिगेड तथा ग्रामीणों को आंदोलन का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक युवक के साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर फ्रैक्चर कर देने के एक आरोपी को शनिवार को मकराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गत 13 अक्टूबर को पार्थी मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद इस्लाम सिलावट उम्र 35 साल निवासी इकबालपुरा ने पुलिस में रिपोर्ट पेश कर बताया कि आरोपी महबूब भाटी ने उसको सरिये से मारपीट की है। उसके मकराना में ही होने की जानकारी मिलने पर थाना अधिकारी रोशन लाल सावरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी महबूब अली पुत्र खलील अहमद भाटी उम्र 26 वर्ष निवासी माताभार रोड मकराना को शहर से गिरफ्तार कर लिया। उसे ACGM न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस टीम में CI रोशनलाल के अलावा हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, कांस्टेबल दिनेश कुमार, नीमाराम तनसुख आदि शामिल थे। ATM मशीन को तोड़कर उसमें से नकदी चुराने का प्रयास करने के आरोपियों को मकराना पुलिस ने धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार गत 4 नवंबर 2019 की रात्रि मकराना शहर के अब्दुल सराय मोहल्ला में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM मशीन को तोड़कर उसमें से रुपए चोरी करने का प्रयास किया गया था। वृत्त अधिकारी सुरेश सावरिया के सुपरविजन में थाना अधिकारी रोशनलाल के नेतृत्व में गठित टीम में ATM मशीन को तोड़कर चोरी के प्रयास में लिप्त रहे आरोपी दीपक पुत्र लिचमा राम बावरी निवासी चावंडिया रोड मकराना व रवि पुत्र धारू राम बावरी निवासी कालनडा मकराना को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों को ACGM कोर्ट मकराना में पेश कर के 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है। पंचायत